मित्रों, आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। गुरु गुरु क्या है? गुरु के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु जो वो है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो है जो हमें सही रास्ता दिखाइए। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु कौन है? हमारी माता, हमारे पेरेंट्स। और जो माता है वो हमारी पहली गुरु है, क्योंकि पहला अक्षर, पहला शब्द आप जब बोलना सीखते हैं तो किस कौन सिखाता है? माता। पहली फीलिंग्स, पहली भावनाएं आपको कौन सिखाता है? माता। तो पहला गुरु हमारा माता पिता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे हमें हमारे माता पिता को वंदन करना चाहिए। वैसे तो हर रोज वंदन करना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा गुरु जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे करियर में केजी से पीजी तक कई सारे टीचर्स का इम्पैक्ट, प्रभाव हमारे पर होता है, वो हमारे गुरु होते हैं। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होता है कि मेरे सर ने बोल दिया, मेरे टीचर ने बोल दिया, मेरी दीदी ने बोल दिया, तो ये सही होता है। तो दूसरा गुरु हमारा है वो टीचर होते हैं, जो हमारी करियर में, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में हमारे साथ रहते हैं, और उसका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। और तीसरा गुरु जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। वैसे कई सारे संप्रदाय है, धर्म है, कहीं सारे गुरु होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, गुरु वो है जिनसे आपको कुछ सीखना मिले। गुरु वो है जो आदर की अपेक्षा न रखे और सिर्फ ज्ञान देना उसका काम है। गुरु इज अ लाइट हाउस, जस्ट गाइड यू, जस्ट शो द वे। गुरु आपके साथ चलने वाला नहीं है। जो आपके साथ चलने वाला है, समझो वो तो कोई प्रलोभन के साथ चल रहा है, कोई अपेक्षा ही है उसकी। लेकिन गुरु वो है आपको रास्ता दिखा दे, आपको बता दे आपको इधर जाना है। दिस इज द राइट वे फॉर यू। जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें सही डिसीजन लेना सिखाए, वो सब हमारे गुरु है। हमें कई लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं आपको एक आउट ऑफ बॉक्स बात बताऊं कि ये सारे गुरु हमें जीवन की शिक्षा देते हैं, हमें वैल्यू सिखाते हैं। वो क्या है? उसका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, उसके जीवन से हम सीखते हैं। और अंत में आपको किसी और के लिए लाइट हाउस, दीवा दांडी बनना है। जीवन का सही मायना, जीवन का सही मतलब ये है कि आपके गुरु को जो आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, एज ए टीचर, एज ए फैसिलेटर। मैं आपको बताऊं, आज मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी धन्यवाद मिला मेरे स्टूडेंट्स का। मैं हर एक को एक ही सेंटेंस में जवाब दिया कि गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और किसी और के लिए आप रोल मॉडल बनो, किसी और के लिए आप गुरु बनो। गुरु दक्षिणा, यदि कोई मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, मेरे कई सारे गुरु है, मैं हर एक का यहाँ नाम लेके बात नहीं बता सकता, लेकिन मेरे कई गुरु ने मुझे एक सीख दी है, और वही है कि आप किसी के जीवन में उजास लाओ, किसी के जीवन में आप प्रकाश फैलाइए। मीन्स You are the reason for others' life. Be the reason. तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के लिए मैं कह रहा हूं कि गुरु वो है जो लघुता से हमें गुरुता की ओर ले जाता है। लेकिन ये गुरुता की ओर ले जाता है, वो गुरुत्व का हमारी पर एक आकर्षण होता है, वो हमारे रोल मॉडल है। तो दोस्तों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन कोई गुरु को आप समझो कि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो मेरा आपको अनुरोध है कि बी ए रोल मॉडल फॉर अदर। हमारे ये क्या होता है, सभी बात करते हैं
कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आइडियलिज्म हर एक गुरु के पास होती है। जब उसके अतीत में आप जाते हैं, जब उसके वर्तमान में जाते हैं, तो करनी और कथनी में बहुत तफावत दिखाई देता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा गुरु चुनना है, हमें ऐसा गुरु बनना है कि जो बोलना है वही करना है। आपकी करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जो थॉट और एक्शन, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो आज में हर एक टीचर, दोज हु आर ट्राइंग टू बी ए गुरु, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। यू आर टीचर बाय प्रोफेशन, ये आपका व्यवसाय है, आपको उसका वेतन मिलता है। यू आर नॉट गुरु, डोंट ट्राई टू बी सो कॉल्ड गुरु। लेकिन आप अपने वेतन के हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं, वो एक टीचर का कार्य है। लेकिन वेतन के बाद जो आप कार्य कर रहे हो, इंस्पिरेशनल वर्क जो आप कर रहे हो, मोटिवेशनल वर्क जो आप कर रहे हो, किसी के लिए आप रोल मॉडल है, देन यू आर अबाउट टू बी अ गुरु। तो मैं हर एक टीचर को रिक्वेस्ट करता हूं आज गुरु पूर्णिमा के दिन कि आप टीचर में से ट्रांसफॉर्म गुरु फ्रॉम द टीचर, टीचर में से गुरु बनना है आपको, और गुरु बनने के लिए आपको अथाक प्रयास करना है। और आपकी करनी और कथनी, आपका थॉट और एक्शन, हमारे क्या होता है, थॉट विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट थॉट, बोथ आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आपका जो थॉट है उसी हिसाब से आपका एक्शन होना चाहिए, और जो आपका एक्शन है उसके पीछे एक ठोस थॉट होना चाहिए। तो फिर एक बार हर एक को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। मेरे सभी गुरुओं को, मेरे जीवन में जो जो गुरु ने एक एक ब्रिक, एक एक ईंट डाल के मेरी जीवन की जो नींव बनाई है, और नींव पे आज थोड़ा बहुत ये जो इमारत खड़ी है आपके सामने, तो मैं हर एक गुरु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके पावन चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो मेरे फॉलोअर्स है, मैं उसको दिल से बता रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉलो मी, बट यदि आपको मेरे में से एक भी क्वालिटी, एक भी वैल्यू अच्छा लगे, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। रोल मॉडल बनना है हर एक को, लेकिन कुछ वैल्यू के साथ आप आगे बढ़िए। तो फिर एक बार आप सभी में अच्छी वैल्यू, अच्छे वर्च्यूज आइए। ऐसी में इस गुरु पूर्णिमा पे कई स्टूडेंट्स को मैं आज रूबरू फेस टू फेस मिल नहीं सका, तो ये वर्चुअल मीडियम से, माध्यम से मैं हरेक को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं हरेक गुरु के पावन चरण में अपना शीश झुकाता हूँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ऑल द बेस्ट, स्काई इज द लिमिट, एक्सप्लोर द योर स्काई एंड रीच योर डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।